अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाहिद असगर। मूनलाइट इंटरनेशनल डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। किंगडम उर्दू सीरीज में स्टार्टर का जो सबक आज हम पढ़ेंगे वो है ज़ाल। जी हाँ, ज़ाल, ज़खीरा, ज़र्रा। ज़र्रे तो आप देखते हैं, छोटी छोटी सी चीज को क्या कहते हैं, जर्रा। जो बहुत छोटे छोटे से मिट्टी के, रेत के, आपने देखे होंगे यहाँ फैले हुए होते हैं हर जगह, और बाज को तो हम एक अच्छे से, जो शीशा मोटा सा होता है, हम आंखों से लगा के उसको देखते हैं तो हमें बारीक बारीक छोटे छोटे से जर्रे भी नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? जर्रे। जी हाँ, हमें बहुत छोटे छोटे से जर्रे नज़र आते हैं जब हम शीशे से उसको देखते हैं, जो बहुत मोटा अच्छा कहलाता है। जी हाँ, अब हम जब ज़र्रों को जोड़ते हैं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, फिर हम बोरी में भर देते हैं। हम किसी भी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके जब जोड़ते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा चीज़ को हम क्या करते हैं, बोरी में भर देते हैं और सब बोरियों को एक साइड पर रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ज़खीरा। बहुत सारी चीज़ें जब हम जोड़ लेते हैं, जमा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा बना लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, कौन बच्चा बताए? हाँ, ज़खीरा। ज़र्रा से ज़खीरा। ज़र्रा ज़र्रा जोड़ते हैं, ज़खीरा बन जाता है। एक छोटी सी प्यारी सी इसकी नज़्म भी है, ज़ाल से ज़र्रा, ज़ाल से ज़खीरा, ज़ाल से ज़र्रा, ज़ाल से ज़खीरा, ज़र्रा ज़र्रा जोड़कर बनता है ज़खीरा, ज़र्रा ज़र्रा जोड़कर बनता है ज़खीरा। जी हाँ, ज़र्रों से जोड़ें, ज़्यादा सा बनाएं तो क्या बन जाएगा, ज़खीरा। ज़ा को लिखना बहुत आसान, आप सब ने इसको लिखने की मश्क पहले भी की हुई है, बस आपको पता नहीं। अब हम इसको लिखना देखते हैं, एक सरगर्मी की तरफ आएं। शाबाश, ये देखें, आपने दाल को लिखा, सुर्ख नुक्ते से मिलाएं, आखिरी नुक्ते तक लाएं, बिल्कुल दाल की तरह है, लेकिन इसके ऊपर अलामत क्या है, एक नुक्ता। क्या अलामत है? एक नुक्ता। नुक्ता डालने से क्या बन गया, ज़ाल। फिर से इसको लिखें, सुर्ख नुक्ते से पेंसिल को घुमाकर आखिरी नुक्ते की तरफ लाएं, शाबाश, और इसके ऊपर एक नुक्ता डालें तो क्या बन जाएगा, ज़खीरा। ज़ाल, ज़र्रा। फिर से इसको लिखने की मशक कीजिए, देखें, सुर्ख नुक्ते से मिलाकर सारे नुक्तों को नीचे की तरफ लाएं, एक नुक्ता इसके ऊपर लगाएं तो क्या बन जाएगा, ज़ाल। ये देखिए कितना आसान था इसको लिखना, ज़ा को लिखना कितना आसान है, ज़ाल लिखना बहुत आसान है। आपने दाल की तरह बनाया, उसके ऊपर एक छोटा सा नुक्ता बिठा दिया तो क्या बन जाएगा, ज़ाल। अब हमने इसको लिखना सीख लिया प्यारे बच्चों, अब हम इसकी एक छोटी सी मश्क की तरफ आते हैं। आप सबने मुझे बताना है, दाल है, दाल है, ज़ाल है, अब बताइए ज़र्रा किससे बनेगा? ज़र्रा दा से बनेगा? नहीं, दा दाल से भी नहीं बनेगा, दा दाल से नहीं, ज़ा, हाँ, ज़ा, ज़ा के ऊपर हम क्या करेंगे, दायरा लगाएंगे। ज़र्रा किससे बनता है, ज़ा, ज़ा, ज़ाल से। जी, अब आप मुझे बताइए, ये ज़खीरा पड़ा हुआ है, किससे बनेगा ज़खीरा, दा से, दा दाल से नहीं, दा डाल से नो, ज़ा, हाँ, ज़ा, ज़ाल से बन गया ज़खीरा। तो हम किसके गिर्द दायरा लगाएंगे,
जा, जाल के गिर्द दायरा लगाएंगे। शाबाश। जा की पहचान क्या है, जा जाल की पहचान क्या है, उसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा प्यारा सा नुक्ता। जी हाँ, जाल के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा नुक्ता होता है, तो ये क्या बन जाता है, जा जाल। जा जाल से जा जखीरा, जा जर्रा। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा, जा जाल। हमारा आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।